तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो एमिरेट्स D10 टूर्नामेंट है, इसका भाई जो आज के दिन का फोर्थ मैच और टूर्नामेंट का भाई ये फोर्थ ही मैच है जो कि खेला जाएगा आबू धाबी वर्सेज एमिरेट्स ब्लू के बीच में। अब इन दोनों ही टीम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, बस आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट देख लेना है। और अगर आप भाई वीडियो का कोई भी पार्ट यहां से स्किप करते हो तो इसमें आपका ही लॉस होने वाला है, लेकिन अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखोगे ना तो इजीली आप इस मैच में विन कर जाओगे। साथ ही साथ भाई यहां पर बात करें मैच की डेट एंड टाइमिंग की, तो आज ही मैच खेला जाएगा अब से कुछ ही देर बाद, यानी कि भाई 11:15 पर नाइट में मैच होने वाला है। बात करें अगर वेन्यू की तो मलेक क्रिकेट ग्राउंड 1 पर मैच होगा और ये भाई अजमान और यूएई, मतलब अजमान में यूएई में मैच होने वाला है, ठीक है। अब यहां पर पिच रिपोर्ट की बात करें तो यहां पर भाई बैलेंस विकेट आपको नजर आ रही है, और यहां पर देखिए बैलेंस विकेट इन द सेंस कि यहाँ पर फ्रेश विकेट यूज हो रही है। तो भाई अभी स्टार्टिंग में क्या है कि अगर बॉलर अच्छी लाइन पे बॉल करेंगे तो भाई उन्हें भी अच्छी खासी यहाँ पर मदद मिलेगी, साथ ही साथ अगर बैट्समैन अपनी टेक्निक से खेलेगा तो भाई इजिली वो यहाँ पर काफ़ी अच्छे स्कोर कर सकता है। तो यहाँ पर अभी भाई फ्रेश विकेट अभी किसी के लिए भी विकेट है जो बायस नहीं हुई है, ना तो भाई प्योरली बैटर्स के लिए ना ही प्योरली बॉलर्स के लिए। अब अगर बात करें वेदर की तो वेदर बिल्कुल क्लियर रहेगा, बारिश के चांसेस बिल्कुल यहाँ पर ना के बराबर होने वाले हैं। इसके अलावा स्कोर की बात करें तो एवरेज स्कोर 100 से 120 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। अब जो प्लेयर्स हैं दोनों टीम्स के उनके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, लेकिन उससे पहले भाई यहां पर आपको बता दूं कि आपके लिए यहां पर 1.110 करोड़ की जीएल लगी हुई है। अगर आप इस जीएल में अच्छी खासी विनिंग करना चाहते हो तो अब यहां से इस पॉइंट से वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। अभी तक अगर आपने थोड़ा बहुत तो स्किप किया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अब यहां से स्किप मत कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर इस वीडियो पर 100 लाइक अगर आप करवा देते हो तो इजीली भाई यहां पर मैं आपके लिए जीएल की टीम प्रोवाइड करवा दूंगा। कहां पर भाई? मेरे टेलीग्राम चैनल पर। और जो भी भाई मेरी फाइनल टीम होगी, स्मॉल लीग की टीम अभी मैं आपको बना के दिखाने वाला हूं, लेकिन जो मेरी फाइनल टीम होगी ना दोस्त वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और इसी वीडियो के फर्स्ट कॉमेंट में मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ना तो कर लीजिएगा। अब यहां पर अगर बात करें आबू धाबी की प्रोबेबल प्लेइंग 11 प्लस प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म की, तो यहां पर आप देख सकते हो जो अब्दुल मुक्तादर अली है इनकी अगर बात करें तो 18 रन 91 रन 0 20 44 ठीक ठाक फॉर्म में, अगर टॉप ऑर्डर मेंशन होता है तो 100% ट्राई कर सकते हो। अली अभी बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, वन साइडेड आपको विनिंग करवाने वाला है अगर ये खेलता है, और अगर चल गया तो वन साइडेड इजिली विनिंग हो जाएगी। प्लस अगर टॉप 3 में मैंशन होता है तो आप इसे जीएल में कैप्टन भी कर सकते हो। पियर रियाज की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 रन प्लस DNB, यहाँ पर DNB प्लस 1 विकेट, किसी मैच में बैटिंग कर रहा है किसी मैच में बॉलिंग कर रहा है, कभी यहाँ पर भाई जो दोनों जब दोनों काम कर रहा था भाई दोनों में फ्लोप हो रहा है, जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा। अनूप गोपाल कृष्णा की बात करें तो 4 रन 1 विकेट, यहां पर 2 विकेट, यहां पर विकेटलेस, यहां पर 3 विकेट 2 विकेट, यानी कि भाई अगर खेलता तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, बिल्कुल करेक्ट टाइम पर यह आपके लिए यूज हो सकता है। कहाँ पर? जीएल में। इसका सिलेक्शन काफ़ी कम रहेगा, मैं आपको दिखाऊंगा टीम बनाते टाइम, ठीक है। और ये आपके लिए मेरे हिसाब से मस्ट पिक रहेगा, इवन स्मॉल लीग में भी आप इसे ट्राई कर सकते हो। इरशाद हुसैन यहाँ पर 2 विकेट, यहाँ पर 2 विकेट, विकेटलेस यहाँ पर 2 विकेट, यहाँ पर विकेटलेस, लास्ट 5 मैच में 6 विकेट है, प्लस यहाँ पर भाई 2 मैच में थोड़े बहुत रन से भी कॉन्ट्रीब्यूशन आए, तो यहाँ पर आप मान सकते हो कि अगर खेलता है तो आपके लिए एक डिसेंट प्लेयर रहेगा। ओसामा हसन शाह की बात करें तो जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा अगर खेलता भी है तो। कामरान अत्ता की बात करें तो मोहम्मद कामरान अत्ता जो है ये भाई गजब का प्लेयर है, टॉप ऑर्डर का बैट्समैन और लगातार आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस देता दिखेगा। जीएल मिनी जीएल में आप इसे हर मैच में सीवीसी ट्राई कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हर मैच में आपको सीवीसी में सबसे ज्यादा पॉइंट यही देगा, बट जिस दिन ये देगा ना तो इससे ज्यादा कोई नहीं देगा, और डेली इसको कोई जीएल में सीवीसी बना के आएगा नहीं, ये मेरी गारंटी की बात है, ठीक है। बात करें अगर नेक मोहम्मद की तो यहां पर आप देख सकते हो 0 रन 54 रन 29 रन 12 रन DNB, ये भी आपके लिए एक डिफरेंट प्लेयर हो सकता है अगर खेलता है तो, शायद मे भी भाई इन्हें का ना मिले बट अगर खेलता है तो आपके लिए एक डिफरेंशियल पिक हो सकता है। वहीं अगर यहां पर भाई बात करें मजर बासिर की, यहाँ पर विकेटलेस, 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 जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा। मोहम्मद मोहसिन विकेटलेस, विकेटलेस, जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा। राजा कीफुल्ला खान की बात करें 1 विकेट 2 विकेट 3 विकेट, टोटल अगर आप देखो तो भाई 5 मैच में 6 विकेट निकाल रखे, और इनके साथ यही है जब ये विकेट लेते तो भाई गुच्छों में विकेट लेते हैं, लेकिन फिर ये विकेटलेस और काफ़ी महंगे भी जाते हैं, तब इकोनॉमी में भी माइनस में पॉइंट लगवा देते हैं, तो आपके लिए एक डिफरेंशियल पिक रहेंगे, ट्राई आप इन्हें जरूर कर सकते हो। यश पुनिया की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 विकेट उन्होंने
यहाँ से निकाले और इसके बाद, एक मिनट भाई, यहाँ से अगर बात करें तो 4 विकेट निकाले, इसके बाद 1 विकेट निकाला, एक मैच में विकेट लेस गए। तो अगर खेलते हैं तो जीएल मिनी जीएल में एक डिफरेंशियल पिक के तौर पर ट्राई कीजिएगा, स्मॉल लीग में मैं अभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। जुबेर खान की बात करें, 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट इन्होंने यहाँ से निकाले। इसके अलावा अगर बात करें भाई यहाँ पर एमिरेट्स ब्लू की प्रोबेबल प्लेइंग 11 प्लस प्लेयर्स की रिसेंट फॉर्म के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अलीशान शराफू गजब का प्लेयर है, पूरे यहाँ पर भाई लास्ट के जितने मैच खेले अच्छी खासी फॉर्म में, प्लस 5 मैच में 5 विकेट भी ले चुका है, जबकि 4 मैच में ही बॉलिंग करवाई थी। तो ये आपके लिए मेरे हिसाब से मस्ट टॉपिक रहेगा। अंश टंडन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 55 रन इन्होंने बनाए, इसके अलावा 4 मैच में कुछ खास नहीं है, ट्राई कर सकते हो। आर्यन सक्सेना की बात करें, 6 रन 1 विकेट 37 रन 1 विकेट यहाँ पर आप देख सकते हो, रन भी बनाए हैं प्लस यहाँ पर भी रन है। एक डिफरेंशियल पिक या फिर आप मान सकते हो एक यूनिक पिक के तौर पर आप इन्हें अपनी टीम में रख सकते हो। ईथन डिसूजा अगर खेलता है तो आपके लिए तगड़ा मतलब डिफरेंशियल पिक हो सकता है जीएल मिनी जीएल में, हालांकि स्मॉल लीग में शायद मैं इन्हें अपनी टीम में ना रखूँ। परफॉर्मेंस आप देख सकते हो 20, 84, 38, 62, 37 गजब लेवल पर भाई परफॉर्मेंस दे रहा है। वही अगर बात करें आदित्य सेठी की, बैटिंग में कभी कभी परफॉर्मेंस दे देता है, बट अभी रिसेंटली मैच देखोगे तो भाई मेन बॉलिंग के ऊपर फोकस कीजिए। 5 मैच में 6 विकेट निकाल चुका, लास्ट के 3 मैच में आप देखो तो वहाँ पर भी आप 6 विकेट देखोगे, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 2 मैच है यहाँ पर रिसेंट 5 में से उनमें भाई ये विकेटलेस गया था। वहीं अगर बात करें भाई ध्रुव पराशर की, तो यहाँ पर भाई आप देख सकते हो एक डिसेंट पिक आपके लिए रहेगा, और अगर खेलता तो आप इसे ट्राई कर सकते हो एज ए सेफ पिक, बाकी मैं इसे अपनी टीम में मैं भी ना रख पाऊँ। हार्दिक पाई की बात करें, 3 विकेट 2 विकेट लास्ट के 3 मैच में विकेटलेस, ट्राई करना चाहो कर सकते हो। हर्ष देसाई 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट और यहाँ पर भाई 3 मैच में 3 विकेट निकाले, उसके बाद यहाँ पर भाई बैटिंग बॉलिंग ज़्यादा कुछ आई नहीं थी इन मैचेज में। वहीं अगर बात करें भाई यहाँ पर यश सबनानी की, तो ट्राई कर सकते हो, जीएल मिनी जीएल में ज़्यादा अच्छा रहेगा स्मॉल लीग के कंपेरिजन में, तो जीएल में ट्राई कीजिएगा। वहीं अगर बात करें जवाहर फारिद की, अगर आप चाहो तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हो, बैटिंग बॉलिंग दोनों से परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अश्वंत थापा की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई इन्होंने भी यहाँ पर लास्ट मैच में लास्ट मतलब कुछ मैचेस में ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रखे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो 36 रन बनाए। फहद नवाज टॉप ऑर्डर का बैटर है, प्लस बॉलिंग कभी याद करता है कभी, आप मान सकते हो बॉलिंग से अगर पॉइंट दे गए तो आपकी किस्मत अच्छी थी, बाकी मेन ये बैट्समैन के तौर पर खेलेगा, तो आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। अक्षत राय जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा। हरीश शेट्टी 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बाकी मैं रिकमेंड करूंगा जीएल मिनी जीएल में। सेम भाई हर्षित सेठ को बोलूंगा। समीर राव लास्ट के 5 मैच में मात्र 3 विकेट निकाल पाया, बट फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि भाई बड़ा ही एक्सपीरियंस्ड बॉलर और आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित हो सकता है अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग करवाती है तो। उनेब रहमान की बात करें, तो लास्ट के 5 मैच में 3 विकेट है, जीएल मिनी जीएल में ट्राई कर सकते हो। बात करें अगर स्मॉल लीग टीम की, तो वो मैं आपको बना के अभी दिखा रहा हूं, लेकिन अगर कोई प्लेयर नहीं खेलता या कोई नया प्लेयर खेलता, जो भी अपडेट होगी, कुछ भी चेंजेस होंगे, सारे चेंजेस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर पता चल जाएंगे आफ्टर टॉस आफ्टर लाइनअप्स। दूसरी बात, अगर वीडियो पर 100 लाइक अगर आप करवा देते हो, जो कि भाई आप करवा नहीं रहे वो एक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अलग चीज, आप सपोर्ट नहीं दिखा रहे इतनी मेहनत करने के बाद भी वो एक अलग चीज है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आप लाइक करोगे तो भाई मैं फिर भी आपको 6 जीएल की टीम प्रोवाइड करवा दूंगा। तो लाइक करना आपका काम है, क्योंकि भाई बिना सपोर्ट के तो आप मान सकते हो कुछ भी नहीं हो सकता, तो भाई सपोर्ट तो चाहिए, सीधी सी बात है। यहाँ पर अगर बात करें विकेट कीपिंग सेक्शन की, तो यहाँ पर मोहम्मद कामरान अत्ता अगर खेलता तो 100% ट्राई करेंगे, नेक मोहम्मद अगर खेलता टॉप ऑर्डर मेंशन होता तो ट्राई करेंगे, फहद नवाज लास्ट मैच में टॉप ऑर्डर में खेलकर आ रहा है, आप चाहो तो इसे बैक कर सकते हो। ऐसे अलीशान शराफू अली अभी मेरी टीम में रहेगा, ई डिसूजा को शायद मैं अपनी टीम में नहीं रख सकता मैं, ऐसे भाई या तो आर्यन सक्सेना को अपनी टीम में रखूंगा या फिर यहाँ पर भाई पी रियाज को मैं अपनी टीम में ट्राई कर सकता हूँ, बट यहाँ पर भाई मे भी भाई मैं ई डिसूजा को ना रखूँ, क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे रहता है, और अगर भाई टॉप ऑर्डर मेंशन होते तो मैं इन्हें भी ट्राई कर लूंगा। बात करें अगर ऑलराउंडर सेक्शन की, तो अनूप गोपाल कृष्ण मस्ट टॉपिक, इसके अलावा अगर बात करें ए शेट्टी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। नीचे अगर आप चलोगे तो भाई यहां पर आपके लिए जो उमेद हसन शाह है, इन्हें भी आप अपनी टीम में बैक कर सकते हो, या फिर एच देसाई को आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो एज ए डिफरेंशियल पिक, आपके काफी ज्यादा काम आ सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं यहां से भाई 2 ही ऑलराउंडर ले रहा हूं। बात करें अगर बैटिंग सेक्शन की, तो यहां से मैं ईथन डिसूजा को या फिर भाई जो ए मुकद्दार बाबर है इनको मैं अपनी टीम में रख सकता हूं, तो अभी के लिए मैं इन्हें अपनी टीम में रखता हूं। बॉलिंग सेक्शन की बात करें, तो यहां से भाई अगर आप देखो राजा कीफुल्ला खान मेरी टीम में रहेगा, सबीर राव अली अभी भी मेरी टीम में रहेगा, इसके अलावा अगर बात करें तो यहां पर एच सेठी को मैं अपनी टीम में रखूँ और एच सेठ को शायद मैं अपनी टीम में रख लूँ, या फिर यहां से मैं एम मोहसिन को अपनी टीम में रख लूँ। ठीक है, तो इनमें से कोई प्लेयर मेरी टीम में रहेगा। बाकी अगर बात करें सीवीसी की कैप्टनसी, अभी भी मैं अलीशान शराफू को दूंगा। वीसी की अगर बात करें, तो अगर आपको बिल्कुल सेफ जाना, तो भाई आप ए गोपाल कृष्णन के साथ जा सकते हो,
बट अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो तो मोहम्मद कामरान अत्ता भी आपके लिए एक डिफरेंशियल सीवीसी हो सकते हैं, सेम अली अबिद के लिए बोलूंगा। बट अभी के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ भाई मोहम्मद कामरान अत्ता के साथ, फाइनल टीम में हो सकता है कुछ चेंजेस मैं आपको करता नजर आ जाऊँ। टीम प्रिव्यू की अगर बात करें तो वो आपकी स्क्रीन पर है, ऑलमोस्ट फाइनल टीम है। कोई भी चेंजमेंट होता है, कुछ भी अपडेट होती है तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पर आपको दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।